अंबिकापुर शहर के युवाओं ने मां महामाया फाउंडेशन के बैनर तले बच्चों के मानसिक और शैक्षणिक विकास के लिए सेमिनार का आयोजन किया। वही कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विवेकानंद विद्यालय के स्वामी तन्मयानंद जी महाराज और महापौर डॉक्टर अजय तिर्की शामिल हुए। दरअसल बीते 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से सभी शिक्षण संस्थाएं बंद थी, ऐसे में बच्चे मोबाइल की तरफ ज्यादा आकर्षित हो गए हैं। पढ़ाई में रुझान कम देखने को मिल रहा है और बच्चे मोबाइल की दुनिया में खोते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जिसको देखते हुए अंबिकापुर शहर के युवाओं ने मां महामाया फाउंडेशन संस्था के माध्यम से निशुल्क छात्रों के मानसिक व शैक्षणिक विकास के लिए सेमिनार कराया। सेमिनार के दौरान मोटिवेशन स्पीकर संदीप श्रीवास्तव ने सेमिनार के माध्यम से छात्र जीवन में होने वाले कई बड़ी परेशानियों को समझाया और छात्रों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सरगुजा से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। ये माँ महामाया फाउंडेशन एक एनजीओ संस्था है, उन्होंने हमें इनवाइट किया था इसी प्रोग्राम को करने के लिए। शहर के राजमोहनी भवन में प्रोग्राम आयोजित किया गया और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस अंबिकापुर में लगी कि शहर के प्रमुख विद्यालयों ने अपने बच्चों के साथ प्रिंसिपल ने भी इसमें भाग लिया। शहर के प्रिंसिपल, स्कूलों के प्रिंसिपल बच्चों के साथ वहाँ पर आए। उनकी एक डिमांड थी कि बच्चों के टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर आप एक सेशन लें, तो पूरा सेशन टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड था। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे डिमांड कर रहे थे इसके ऊपर। कपूर में काफ़ी लंबे समय से बच्चों के पास इस तरीके का कोई भी प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था, स्कूलें बंद थी, बच्चों के पास ऑप्शन कम थे। और आपको ज्ञात हो कि तकरीबन भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है स्ट्रेस के कारण बच्चों का सुसाइड करना या स्ट्रेस के द्वारा फेल हो जाना या परीक्षा में या पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होना। तो इन्हीं सब विषयों को लेके यहाँ पर आयोजन किया गया था और मैं आभार प्रकट करता हूँ माँ महामाया फाउंडेशन का, जिन्होंने इस तरीके के प्रोग्राम को कराने का निर्णय लिया। और उनसे हमारी बातचीत चल रही है, उनके अध्यक्ष से सोनू केदार जी से, कि आगे आने वाले समय में प्रमुख जिलों में और महाविद्यालयों में इस तरीके का आयोजन करवाया जाएगा। माँ महामाया फाउंडेशन के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चे लगातार आप देख रहे हैं कि बच्चे मोबाइल की तरफ और डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसको लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया था। और संदीप श्रीवास्तव जी हमारे सेमिनार में आए हुए थे, उन्होंने बच्चों को समझाया कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे और कैसे गाइडलाइन कैसे किया जाए उनको लेकर एक 4 घंटे का हमारा कार्यक्रम चला। उसमें शहर के विभिन्न स्कूल के बच्चे आए हुए थे, उनके संदीप श्रीवास्तव से सीखने के लिए मिला उनको कि किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 2 साल से स्कूलें बंद थी, हमारे द्वारा ये कार्यक्रम इसलिए करवाया गया है कि बच्चे जो डिप्रेशन में जा रहे थे, तो इस कार्यक्रम को करवाया गया तो बच्चे आगे जाके और कैसे निकल सकते हैं।